हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एंड ऑप्शन कंसल्टेंट। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपायरी के दिन यानी थर्सडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है और उसके लिए हम लोग अपने चार्ट पर कौन कौन से लेवल लगाकर रख सकते हैं। और साथ में बात करेंगे कि आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरह का काम किया है और मैंने ट्रेड कौन से लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग में कोई भी ऐसे ट्रेडर है जो ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या मल्टीपैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंट्राडे स्टॉक में करते हैं तो मेरे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। मैं कुछ वीडियो अपलोड करता हूं जिसमें आप लोग वीडियो को देखकर आप लोग एनालाइज करके खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी के दिन के लिए, क्योंकि आज मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं था और कल दशहरा के मौके पर मार्केट बंद है। डायरेक्ट ये थर्सडे को ओपन होगा, इसीलिए थर्सडे को एक बड़ी मूवमेंट आने की संभावना है जिसके प्रेडिक्शन हम लोग आज के डेट में करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। आप लोग निफ्टी के चार्ट में देख सकते हैं कि आज क्या हुआ। निफ्टी के चार्ट में एक जो है बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट इसने दिया। लेवल कौन सा था, मैंने कहा था 17175 से अगर ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करे तो डेफिनेटली हम लोग एक कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। कौन सा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17315 का लेवल एंड दूसरा टारगेट 17445। पर ऐसा हुआ नहीं। आप लोग देख सकते हैं निफ्टी ने इस लेवल से ऊपर कैंडल क्लोज की, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, अगर 15 मिनट कैंडल बोला जाए तो वो भी क्लोज हुई। उसके बाद ये इस लेवल पर अगेन 17175 से अगेन इसे टेस्ट किया, रिजेक्शन मिली और ये पूरी तरह से इस लेवल तक जाता दोस्तों। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, मैं हमेशा बताता हूं कि हम लोग यदि निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ निफ्टी के चार्ट को हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को इसके साथ साथ बैंक निफ्टी के भी चार्ट को एनालाइज करना है। क्यों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लेवल मैंने बताया था, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ 17175, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका ब्रेकआउट होने पर डेफिनेटली इसे 17315 तक जाना था, पर ऐसा हुआ नहीं। ब्रेकआउट होने के बाद ये पूरी तरह से एक रेंज में फंसा रहा, दिन भर प्रीमियम डीके हुआ है, प्रीमियम डीके हुआ है। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास एडजस्ट एक्चुअल में एग्जैक्ट इसी टाइम पर एक लेवल था जो कि मैंने बताया था कि यह 39085 का एक लेवल था, जो 85 से 100, लेकिन 39000 अगर गौर से देखा जाए 39085 से 39200 तक अगर ये 200 का ब्रेकआउट करता और सस्टेन करता, बैंक निफ्टी सस्टेन करता तो ही निफ्टी में एक फास्ट मूवमेंट आती, पर ऐसा हुआ नहीं। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हुआ, मैंने जैसे बता रहा हूं ऐसा हुआ कि नहीं, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप ओपनिंग हुई, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई स्ट्रेट लाइन से ऊपर और इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया। लेवल कौन सा था, 38850 का ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट करने पर ये यहां तक गया, पर ये बहुत ज्यादा इसमें हमारा मूवमेंट आने की संभावना नहीं थी। मैंने पहले ही बताया था कि यदि ये 39200 से ऊपर अगर सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी तो हम लोग डेफिनेटली ये कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये इस लेवल का, ये जो लेवल है मैंने बताया था 39085 से 200 तक, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, इसीलिए ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ। बहुत लोग आज जो होंगे यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे, इस लेवल के ब्रेकआउट होने पर ट्रैप हुएंगे। क्यों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे इसका ब्रेकआउट हो गया है तो हम लोग यहाँ पर कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे, पर यहाँ पर इस पूरा का पूरा ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसीलिए इस लेवल का, लेवल कितना है पूरी तरह से अगर बताया जाए 39200 से ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करे तो ही एक बड़ी मूवमेंट आने की संभावना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में।
चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए हम लोग कौन कौन से लेवल लगा कर रख सकते हैं अपने चार्ट में, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो लेवल मैंने बताया था आप लोग देख सकते हैं, इसलिए इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हो पूरी तरह से ये जो देख रहे हैं 39,200 से ऊपर अगर सस्टेन करे बैंक निफ्टी तो ही हम लोग कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे। बट हमारा टारगेट जो है 39,200 से अगर हम लोग बैठते हैं तो 39,420 का हमारा टारगेट होगा, जो कि बहुत ही छोटा टारगेट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करें। लेवल कौन सा है? लेवल है 39,420 से ऊपर हम लोग बैंक निफ्टी को में कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे। 39,000 कितना बोला? 39,420। अगर 39,200 से ऊपर अगर सस्टेन करे बैंक निफ्टी तो हम लोग डेफिनेटली कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 39,420, एंड सेकेंड टारगेट हमारा कौन सा होगा? 39,770 का लेवल हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और उसी तरह हमारा पुट ऑप्शन पर हम लोग कब बैठेंगे, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कब करेंगे? अगर ये 38,810 से नीचे अगर सस्टेन करे तो ही हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, पुट ऑप्शन पर बैठेंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा होगा? फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 38,360 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकेंड टारगेट जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट है, कौन सा टारगेट? 37,530 हमारा सेकेंड टारगेट। अगर गिरावट होगी थर्सडे के दिन तो ये पूरी तरह से इसका अगर ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत बड़ी मूवमेंट आने की संभावना है। इसीलिए आप लोग ये जो लेवल मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है, इस लेवल को कुछ करना नहीं है। कब हम लोगों को बैठना है? हम लोग कॉल ऑप्शन पर कल बैठना है। हम लोग को बैठना है किसके ब्रेकआउट होने पर? अगर 39,420 का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट 39,770 होगा। पुट ऑप्शन पर हम लोग कब बैठेंगे? ब्रेकआउट किसका? अगर ये 38,810 का ब्रेकआउट दे तो हम लोग पुट ऑप्शन पर बैठेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 38,360 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। एंड सेकेंड टारगेट होगा हमारा 37,530, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं ट्रेड लाइन की। हम लोग आज के चार्ट पर कौन सा ट्रेड लाइन लगाकर रख सकते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ऐसा कोई ट्रेड लाइन अगर बनता है तो हम लोग ऑलरेडी डेफिनेटली एक ट्रेड लाइन लगाएंगे। ये ट्रेड लाइन को आप लोग मार्क कर ले, इस ट्रेड लाइन को आप लोग मार्क कर ले दोस्तों। ये ट्रेड लाइन हो सकता है कल के दिन अगर बैंक निफ्टी में गिरावट हो थर्सडे को तो हम लोग इस ट्रेड लाइन को देखेंगे, इसके अनुसार हम लोग ट्रेड कर सकते हैं पुट ऑप्शन के लिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी में हम लोग कौन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हम लोग कब कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे। आज तो ये जो हमारा टारगेट हिट होना चाहिए बैंक निफ्टी के कारण ये पूरा तरह से निफ्टी फंस गया, पर कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वेट करेंगे 17,315 का ब्रेकआउट होने का। अगर 17,315 का ब्रेकआउट हो तो हम लोग कॉल ऑप्शन पर बैठेंगे। और फर्स्ट टारगेट हमारा कौन सा होगा? 17,445, यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, पुट ऑप्शन पर कब बैठेंगे? पुट ऑप्शन पर हम लोग बैठेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट होने पर, 17,175। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट अब बन गया है। हालांकि गैप अप ओपनिंग हुई डायरेक्ट इस लेवल से के नीचे ओपनिंग हुई, पर इस लेवल का इसने ब्रेकआउट किया और इसी लेवल से ऊपर आज दिन भर ये रहा है। इसीलिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी कल के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए, एक 15 मिनट के ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो तो डेफिनेटली हम लोग एक पुट ऑप्शन पर बैठेंगे दोस्तों। और हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट होगा कौन सा? 17,030 का हमारा, जो कि ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस लेवल पर हम लोग बैठेंगे। और सेकेंड टारगेट कौन सा होगा हमारा? सेकेंड टारगेट किसे हम लोग बनाएंगे? सेकेंड टारगेट हमारा होगा 16,880 का टारगेट, हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, ट्रेड लाइन की बात करें तो देखते हैं, चलिए कि कोई ट्रेड लाइन आज के चार्ट में कुछ बन रहा है ट्रेड लाइन वो देख लेते हैं। आप लोग एक ट्रेड लाइन आज के चार्ट में मार्क कर ले, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है कल के लिए। ये ट्रेड लाइन बहुत ही अच्छा काम करेगा
आप लोग इसे अपने चार्ट पर मार्क कर ले। इस ट्रेड लाइन को आप लोग मार्क करें, जिस भी साइड में इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो हम लोग कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन पर बैठ सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं। यह ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो देख लीजिए। क्योंकि इस ट्रेड लाइन एंड ये जो लेवल है, इस लेवल से इसने रिजेक्शन मिली, 17,175 से इसे रिजेक्शन मिली और ये ऊपर चला गया। अगेन ये जब आई तो इसी फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट ली, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया गया है एंड थर्ड टाइम भी। अगर ये कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है उसके बाद ये इसका ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग देखेंगे, हम लोग इस लेवल से नीचे, लेवल कौन सा है 17,240 से नीचे हम लोग एक पुट ऑप्शन पर बैठ सकते हैं इस टारगेट के लिए। टारगेट कौन सा है 17,175। अब मैं चाहूंगा यहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल ना करें, आप लोग यहाँ पर सीधा एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आने के बाद बहुत बड़ी बाउंस बैक मिलेगी इसे और ये ऊपर जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए तो अगेन हम लोग यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए, अगर यहाँ पर आने के बाद इस लेवल से नीचे 17,200, जैसा कि मैंने बताया, इस लेवल से नीचे हम लोग एक पुट ऑप्शन पर बैठ के इस टारगेट तक के लिए बैठ सकते हैं और हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। अगेन एंट्री हम लोग करेंगे इसका 15 मिनट के कैंडल से ब्रेकआउट होने पर। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो तो डेफिनेटली हम लोग जो है एक पुट ऑप्शन पर अगेन बैठ सकते हैं। कौन से टारगेट तक के लिए? टारगेट हमारा हो जाएगा 17,030 का, हमारा टारगेट होगा जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट है। आप लोग देख सकते हैं लगभग ये हमारा 2 पॉइंट का टारगेट, 150 पॉइंट का टारगेट बन सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जो कि ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियो है। कंप्लीट एनालिसिस हम इसमें, मैं इसमें करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक ऑप्शन बायर कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज करे कॉल ऑप्शन के लिए या पुट ऑप्शन के लिए। स्ट्राइक प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों, जिसे हम लोग इग्नोर करते हैं, किसी भी इन द मनी आउट द मनी एट द मनी पर हम लोग बैठ जाते हैं, पर स्ट्राइक प्राइस का चयन करना बहुत ही जरूरी है सही स्ट्राइक प्राइस का। और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट क्या है, इसके आधार पर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर को ये डेफिनेटली जाननी चाहिए कि ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट क्या है। साथ ही एक तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जो है हमारा इस चीज के बारे में कि FII एंड DII ये दोनों क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, और इसके आधार पर हम लोग आज ही एक दिन पहले हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट दे सकता है। एक रेंज बाउंड में रहेगा कि एक बिग मूवमेंट आएगी या एक डाउनफॉल होगा, ये हम लोग पहले भी प्रिडिक्शन करके रख सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं कल आप लोगों के लिए एक वीडियो दशहरे के मौके पर एक वीडियो अपलोड करूंगा ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड, इसलिए आप लोग उस वीडियो को मिस ना करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों, गुड बाय।